परब्रह्म में अटकी है कि कब जन्म ले और दर्शन करने पहुंचूं। राम अवतार में काक भुसंड बनकर पहुंच गए यहां पर। द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल आते हैं। शंकर भगवान कौन है? योगीश्वर, योगियों के ईश्वर। और भगवान कृष्ण कौन है? योगेश्वर, योग के गुरु। योगक्षेमं वहाम्यं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो नीति वो तीर्थवाम तीर्थमा। आज शंकर जी योगी ईश्वर है और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। जो संत लोग होते हैं ना, उनकी दृष्टि प्रभु के दिव्य रूप में अटकी रहती है। संतों की दृष्टि तो भगवान के चरणों में ही लटकी है। भगवान शंकर की दृष्टि भी परब्रह्म में स्थिर है। शंकर के दो गढ़ हैं, नंदी और श्रृंगी। तो श्रृंगी और वे दोनों भी कहते हैं कि प्रभु हमें भी साथ ले चलो। शंकर जी मना करने लगे कि नहीं, तुम लोग जाओगे तो डिस्टर्ब होगा। जब हम 5-10 लोगों को एक साथ लेकर कहते हैं कि चलो हम अयोध्या जी घूमने चले, तो अयोध्या जी पहुंचे तो वहां से अगर किसी 5-7 का मन हुआ कि चलो यहाँ से पास में नेमसरण धाम है उसके दर्शन कर जाए, तो एक बोलेगा कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं लौटूंगा। तो उस कारण से सबको लौटना पड़ता। इसलिए शिव जी ने बोला कि अगर मैं सभी को दिंडौरा पोत कर जाऊंगा तो यह मुझे विघ्न उत्पन्न करेंगे, और अकेले जाऊंगा तो जब तक मन है तब तक रहूंगा अलाक निरंजन। वे दोनों अड़ते हैं कि नहीं प्रभु हमें भी साथ रखो। शंकर जी मना करने लगे कि अगर तुम्हें ले जाऊंगा तो विघ्न होगा। तो वह भी कहते हैं कि देखो प्रभु, अगर आप हटियो तो हम भी हैं, अगर आप हमें नहीं ले जाओगे तो हम वहां जाकर आपका भेद खोल देंगे कि जे कोई भैरूपिया बनकर जो आए हैं ना, ये और कोई नहीं स्वयं शिव जी हैं, तब फिर हमें मत कहना, हम सारे गोकुल वासियों को बता देंगे कि यह और कोई नहीं, यह स्वयं भगवान शंकर है। शंकर जी ने कहा कि नहीं पुत्र, मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो मेरे दर्शन में व्यवधान होगा। आज शिव जी गोकुल में आ रहे हैं, परंतु दोनों बालक अड़ रहे हैं। भगवान कहते ठीक है, और भगवान का एक नाम है नटवर, नटराज। जोर की घुरक लगाई और कहां गायब हो गए, भगवान की नंदी भंडी देख ही रहे हैं। वहीं पर भगवान को ढूंढ रहे हैं, परंतु भगवान तो कब के यहां गोकुल में आप पहुंचे हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भगवान शंकर त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? 3 का अंक क्यों पसंद है? त्रिशूल यानी जो अपने हाथों में काम क्रोध और लोभ को बस में कर ले वही शिव है। काम क्रोध और लोभ रूपी 3 शूल को जो अपने बस में करते हैं। आधुनिक दूल्हा तो घोड़े में बैठता है, घोड़ा किसका प्रतीक है? रजोगुण का, राजा अहंकार का। और जब परमेश्वर दूल्हा बनता है तो बैल में बैठता है, बैल धर्म का प्रतीक होता है, जो धर्म को ऊपर सवार होता है, धर्म के मार्ग पर चलता है। 3 शूल काम क्रोध लोभ को अपने बस में करता है वही शिव बनता है। शंकर जी आ चुके हैं गोकुल। लोग कहते हैं कि यह जो साधु आया है यह तो बिल्कुल अपने भोले बाबा जैसा दिखता है। हमारी भी यही विडंबना है कि आज के युग में
पंडित बाद जो गाल बजावे उसी को विद्वान मानेंगे जो बड़ी बड़ी बखान करेगा, भले अंदर से कपट हो। काल नैनी कपटी बनकर आया, क्या भी बाबा, गोदर बाबा, सिरडी बाबा और भी बड़े बड़े संत महात्मा धनीराम दादा है, जब यह अवतरित थे तब लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं और अब उनकी मूर्तियों को सोने में पहनाया जाता है। और जो बड़े बड़े बखान करता है उसे लोग आइए महाराज जी आइए, अरे बेटा तुम्हारे घर में पुराण होना चाहिए, फलाना दोष है और एक सोने का ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, महाराज जी बोल आप सब बोल रहे हो, लोग उन्हें चढ़ा देंगे, परंतु कोई संत महात्मा आएगा तो अपने मन से कोई उसे नहीं देगा, जो मांगता नहीं उसे लोग नहीं देते और जो मांगता है उस पर लोग बरसा देते हैं चमत्कार को दुनिया। तो जब शिवजी साक्षात आए तो लोग कहते हैं कि शिवजी जैसा कोई है, और अगर कोई बहरूप या शिवजी बनकर आता तो कहते हैं कि यह फलाना भगवान का अवतार था, या दुर्गा जी का अवतार था, या फलाने देवता का अवतार था। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रभु ने हमें संपत्ति दी है, धन दौलत दी है, तो संकल्प करो कि हर रोज किसी सुपात्र को, पात्र कौन है, पतनात कार्यते सा पात्र, जो आपके दिए हुए धन को पात्र में लगाए, पतन से बचाए, जो वास्तव में जरूरतमंद है, नहीं तो आपके दिए धन को बस शराब में उड़ा रहा है, जुए में उड़ा रहा है, अरे भाई अपना कर्म जाने, हम तो बामन सोच कर तो जान बोझ कर किया हुआ अधर्मी को धन आपको भी नरक में डालेगा, उसको भी अनजाने की बात अलग। तो पात्र कौन है जो आपके धन को पतन से बचाए, उसका परिवार पले। आज रोज अपने घर में अगर कोई पात्र आए तो उसे कुछ ना कुछ जरूर दो, कभी कोई गरीब के बच्चे को एक लड्डू खिला दो, क्या नवरात्रि में ही खिलाना जरूरी है, किसी भी दिन हम किसी कन्या को मुंह मीठा करा दें, जिस दिन कन्या के दर्शन हो वही दिन नवरात्रि, नव यानी नया रात्रि, आपके जीवन का नया जीवन शुरू हुआ जिस दिन आपके घर में कन्या का जन्म होता है। पुत्र तो एक कुल को तारता है, पुत्री दो कुल को तारती है। दक्ष प्रजापति से जब माता ने कहा कि पुत्र वरदान मांग, तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैया देना ही है तो मुझे कन्या पे कन्या दो, कन्या पे कन्या दो। माता जगदम्बा बोली कि पुत्र पहले से ही तेरे यहाँ 16 कन्या है और तू कन्या क्यों मांगना चाहता है। दक्ष प्रजापति ने इसके पहले 16,000 पुत्र उत्पन्न किए, सभी छोड़कर भाग गए। तो बोले ऐसे पुत्रों का क्या करूं जो विवाह तक ही अपने और विवाह के बाद पराये हो जाते हैं, मुझे कन्या दीजिए जो विवाह तक तो मुझे पराया मानती है परंतु विवाह के बाद मेरी अपनी हो जाती है, हर पल मेरी। यशोदा जी का नियम था कि रोज लाला को के नाम से गरीबों को भोजन देती, भिक्षा देती। शिवजी का आगमन होता, अलाप निरंजन, जो देना जानता उसी के यहाँ भगवान लेने आते हैं, जिसने कभी किसी को दिया नहीं, जिसके घर में मान दान आ जाए तो एक रुपया नहीं निकलता, कन्या उसी को भगवान देता है जिसने देना सीखा हो, किसी कंगले को कन्या नहीं देता, जिसने अगर बहू बेटी आ जाए मान दान आ जाए तो मुंह बना लेते हैं। मान दान को देने से बढ़ता है, गऊ को देने से बढ़ता है, संतों को देने से बढ़ता है, घटता कुछ नहीं, या अपने हिस्से का पुण्य देकर जाते हैं। शिवजी आ गए हैं भिक्षा लेने, लोग कहते हैं कि यह तो साधु है, शंकर जैसा दिखता है सेम, परंतु दिव्य आत्मा जो होती है अपने तेज को नहीं छुपा सकती, कितना भी तेज छुपा ले परंतु वह लाखों की भीड़ में भी पहचान में आ जाएगा। शिवजी अपना तेज आखिर कब तक छुपा सकते थे। दासी कहती है कि महाराज जी मैया यशोदा ने यह भिक्षा भेजी है, इसे आप ग्रहण कीजिए। शिवजी कहते हैं कि मैं भिक्षा नहीं, मैं उनके बालक के दर्शन करने आया हूँ, मेरे गोविंद के दर्शन करने आया हूँ। यशोदा मैया वहीं खिड़की से देख रही है, उन्होंने उनके विकराल रूप को देखा तो वहीं से बोला कि महाराज जी क्षमा करिए, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, अगर भिक्षा चाहिए तो ले जाइए, परंतु लाला को मैं किसी भी हालत में आपके पास नहीं भेजूंगी। शिव जी कहते हैं कि हम बड़ी आशा लेकर आए हैं, देवी बड़ी दूर से आए हैं, हम कैलाश पर्वत से आए हैं। यशोदा मैया कहती कि बाबा आप तो कैलाश पर्वत से आए हो, मैं तो 70 बरस की हो चुकी हूं, आप 70 वर्ष के कैलाश का जीवन मैंने काट दिया, तब जाकर मुझे बड़ी मुश्किल से पुत्र की प्राप्ति हुई है, और
इस 70 साल की बुढ़िया को भी आपको देखकर डर लग रहा है तो मेरा लाला तो अभी छोटा सा ही है। अरे आपकी वेशभूषा तो देखो, पर कान में लंबे लंबे सांप बिच्छू जो लटकाए बैठे हो, शरीर में चिता की राग और वो शेर के मुंह वाला डरावना बागंबर जो आपने पहना हुआ है। अरे राम राम, और ऊपर से वो जो करिया बैठो ना बाबी फुस्त फुस्त कर रहा है, मेरो लाला डर गया तो ना बाबा ना मोह तो डर लागे, इतने विकराल मैं तो नहीं दिखाऊंगी लाला को, कहकर आज रोने लगी है माँ यशोदा। शंकर जी कहते हैं कि सांप को देखकर डरेगा तेरा लाला देवी, तेरा लाला रोहिणी नक्षत्र में सर्प योनि में जन्म लिया है, अरे ऐसे तो जन्म से ही सांपों से खेलेगा। जब जन्म लिया तो गालिया से मर्दन किया, शेषनाग भगवान छत्र बनकर यमुना के पीछे चले आए। शेष सैया में खीर सागर में शयन करने वाला, भला ये छोटे मोटे सांप इसके आगे क्या है? अरे ये तो छोटे मोटे सांप है तुम्हारा लल्ला, तो हजारों फन वाले सांप के साथ खेलता है, तुम डरो मत। मैया मुझे लाला के दर्शन करने दो, नहीं तो मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा समाधि लगाकर, फिर मुझे मत कहना, द्वार पर ही बैठा रहूंगा। यशोदा मैया कहती है कि बाबा तेरे जैसा जिद्दी आज तक मैंने नहीं देखा, इतने साल की हो गई मैंने अनेकों को भिक्षा दी, एक से एक बाबा लोग आए, परंतु आज तक तेरे जैसा जिद्दी तो मैंने देखा ही नहीं। अरे तू अगर मेरे इस द्वार में बैठेगा तो मैं दूसरे द्वार से चले जाऊंगा, और इस प्रकार दूसरे द्वार में माता जाने लगती है और भगवान शंकर उस द्वार में जाकर दूसरे रूप में विराजमान हो जाते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो माता कहती ठीक है, आप भी जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं, कब तक बैठा रहेगा, बैठे रहे, मैं अंदर ही बैठी। भगवान बोले कि मैं बड़ा होने तक, जब तक कान्हा बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक बैठूंगा, एक दिन तो जब बड़ा होगा तो वो खुद ही बाहर निकल कर आएगा, मैं 12 वर्ष तक की धुनी लगा दूंगा, कभी तो निकलेगा। यशोदा कहती है कि 12 वर्ष तक लाला को घर से नहीं निकलने दूंगी, तुम भी बैठे रहो, मैं देखती हूं, मैं भी उसकी मैया हूं। शंकर जी कहते हैं कि मैया तू बड़ी हट्टी है, तो ठीक है मैया हम चलते हैं। यशोदा मैया कहती है कि बाबा मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा, घर हुए आए हुए अतिथि अगर खाली हाथ लौटता है तो वह पुण्य को लेकर जाता है। तो माता दुखी होकर कहती है कि मैया, यशोदा कहती है कि प्रभु जी मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा, मेरा शब्द ऐसा नहीं है, आप समझिए, मैं ये कहती हूँ कि जो भी भिक्षा आपको चाहिए, जितना चाहिए सब ले जा लो, जो चाहिए ले जा लो, परंतु इतना घर कह दो कि मेरे लाला के दर्शन नहीं करना, आपको मेरे घर में से जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस मेरी एक ही जिद है कि लाला को नहीं दिखाऊंगी, खूब प्रेम से बिता दो प्रभु, प्रेम से मैं आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाऊंगी। शिव जी कहते हैं कि हम भोग के भूखे नहीं है, हम योग के भूखे हैं, अपने योगेश्वर के दर्शन करने आए हैं। माता कहते हैं जब दोबारा मेरे कान्हा का नाम लिया तो मैं कह देती हूँ कि उसी की कसम तुम्हें है, और जैसे ही गोविंद की कसम माता यशोदा ने अनजाने में दिलाई, आज भगवान के आंखों में आंसू हैं। कहते हैं ठीक है मैया, अगर आप कहते हो तो अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही जाने लगते भगवान और दूर से कहते हैं कन्हैया अब हमारा मिलन इस जन्म में नहीं, अब मैं चलता हूँ अपने धाम। कन्हैया ने सोचा कहीं मेरी लीला फैल ना हो जाए, और भगवान जोर से रोते हैं, हिचकी लेने लगते हैं। जैसे ही अंदर कान्हा के रोने की आवाज सुनी, यशोदा मैया वहीं पर भागती और यहाँ शंकर जी चले जा रहे हैं, एक बट वृक्ष के नीचे जाकर समाधि लगा लिया। कान्हा को अनेक तरीकों से छुपाने की कोशिश करते हैं, परंतु कान्हा चुपता ही नहीं। यहाँ पर भगवान जाने लगे, जोर से बोले गोविंद हम जाते हैं। कन्हैया ने जैसे ही भोलेनाथ की आवाज सुनी, आज हर और हरी एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, माँ दूध पिलाई जा रही, सिर में हाथ फैला रही, हर प्रकार से कि कन्हैया तुझे क्या हो गया, तू चुपता क्यों नहीं। गोपियों की भीड़ लग गई, गोपी कहती कि मैया कोई आया तो नहीं, किसी की नजर तो नहीं लगी। यशोदा मैया ने कहा कि एक बाबा आया था, कह रहा था दर्शन करा दो, और उसी की नजर लगी होगी। एक गोपी कहती है जाओ उसे कोई तो बुलाकर ला हो,
एक गोपी जाकर दौड़ती है, ढूंढते ढूंढते पहुंचती है, सभी से पूछती है कि मेरे कन्हैया के यहाँ एक बाबा आया था शंकर जी के समान, क्या किसी ने उसे देखा है? तो एक दो ने बताया कि वह वटवृक्ष के वहां बैठे हैं। तो जाकर गोपी बोलती है कि हे प्रभु आप चलिए चलिए, आपको यशोदा मैया बुला रही है। यहां से यशोदा मैया चलाती, कोई तो लेकर आओ, कोई तो लेकर आओ, उसे वह मेरे कन्हैया की नजर उतारेगा। जाओ 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 रे हो, यशोदा मां कहती है, जाओ 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 रे उसे ढूंढ लाओ रे, कहां गया बाबा मेरे लाल को रुलाई की, कहां गए बाबा मेरे लाल को रुलाई की। जाओ 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 रे उसे ढूंढवाए के, कहां गया बाबा मेरे लाल को रुलाई की, कहां गए बाबा मेरे लाल को। Bye.
नित्यानंद की तरह अपने प्रभु को अपने हृदय में बसा लो तो आपके घर में परमानंद आएंगे, नहीं तो यम के दूत तो निश्चित ही है। शिव पूजन में मस्त बने जा, 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 भक्ति सुधा रस पान करे 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 जा, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से चले नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से चपले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से चपले नमः शिवाय। I'm super.
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ध्यान दीजिएगा कि घर में कोई भी अतिथि आए तो जरूर उसका स्वागत करें, चाहे मीठी वाणी से ही करिए। वाणी ऐसी बोलिए मन ना आपा खोए, औरन को शीतल करें और आपा शीतल। तो गोपियों ने कहा कि अरे जोगी, चलो यशोदा मैया की तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। जैसे भगवान लौट कर द्वार में आए, यशोदा मैया ने कहा कि प्रभु आ तो गए हो, परंतु दूर से ही नजर उतार देना, मेरे कन्हैया को छीना भर मत, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। शिव जी बोलते हैं कि ऐसे भला कोई होता है क्या कि वैद्य इलाज भी करे और नाड़ी भी ना देते, क्या दूर से ही इलाज हो जाता है। तो यशोदा मैया कहती है कि तो ठीक है, पहले जो वो गला में वो फन फन कर रहा है ना, उसको किनारे रख के आओ बाहर। आज वासुकी जी उदास हो गए कि प्रभु मुझे भी तो भगवान के दर्शन करने दो। भगवान बोले कि जब जन्म हुआ था तो पीछे क्यों तंग कर खड़ा था, तेरा जो कोटा था वो पूरा हो गया, अब मुझे वासुकी जी को बाहर रख दिया। और जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया, कन्हैया खिलखिलाकर हंसने लगे, आज हरि का हर्ष मिलन है। जैसे ही यशोदा ने पुनः गोद में लिया, भगवान फिर रोने लगे। और यहाँ बलदाऊ जी तो जब से जन्म लिए तब से ही रो रहे थे, जब तक भगवान का जन्म नहीं होगा आंखें नहीं खोलूंगा, आंखें ही बंद करे थे। तब यशोदा मैया ने नजर उतारी कि क्या हो गया मेरे लाल को, आंखें क्यों नहीं खोलता, रोता ही रहता है। मानो बलदाऊ जी कह रहे हैं कि जब तक कन्हैया नहीं आएगा, उसके दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा कहती है कि बाबा आप जो कहो मैं करूंगी, आप जैसा भी कहोगे मैं सब करने को तैयार हूं, परंतु मुझे आशीर्वाद दो कि जैसे आपकी गोद में यह कन्हैया खेलता है ऐसे मेरे ही गोद में भी खेले, कितनी उम्र के बाद तो मुझे यह सुख मिला है। और शंकर जी कहते हैं तो ठीक है मैया, एक शर्त में मैं यह काम कर सकता हूं कि कन्हैया भी जैसे मेरी गोद में खेलता है वैसे ही तुम्हारी गोद में भी खेले। मैया कहती है कि ठीक है तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तो भगवान कहते हैं कि मैया मेरी यही एक इच्छा है कि अपने आंगन में भगवान शंकर का मंदिर बनाओ, एक शिवजी का मंदिर बनाओ और शिवलिंग को वहीं स्थापित करो जहां पर तुम कन्हैया को नहलाओ, और उसके नहाने के बाद जो गंगा जल निकलेगा उसे उस शिवलिंग में गिरना चाहिए। जब तुम्हारा कन्हैया नहाए तो उसके नहाने का जल मुझ पर आकर गिरे और भगवान प्रकट हो गए। बोलो काशी विश्वनाथ की, नमामि शमीसां निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीसां निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश माकाश भासं भजे हम निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत। गोतीत याने गो का अर्थ होता है इंद्रिया, हमारा मन भी जितना नहीं सोच सकता प्रभु भी आज भगवान के चरणागत। ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संतार पारं नतो नयावत उमानाथ पादार बिंदम भजन दीह लोके परेवान काशी विश्वनाथ भगवान की। और जैसे ही भगवान ने कहा कि मेरी यह इच्छा पूरी करो, तो यशोदा मैया भी कहती है कि ठीक है अगर यही इच्छा है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। रह रे योगी नंद भवन में, क्या कहती है यशोदा मैया, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे,
जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन कीजिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। आज कंस को पता चला कि ब्रज मंडल में कोई जन्म लिया। आकाशवाणी के अनुसार 84 कोस के ब्रज में उसने आदेश दिया कि आज से महीने भर पहले भी जो जन्म लिया है उन सब शिशुओं का वध कर दो। और इस प्रकार तृणाव्रत को भेजा। बंदर बनकर तूफान बनकर भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। त्रयोदशी के दिन 13वें दिन अष्टमी के बाद त्रयोदशी 13 के दिन